वेलकम पिला माने वेलकम टू आडा 24/7 ओडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मु गोपाल बेहरा तमानु स्वागत करछि। आजर सेशन आमे बहुत खास सेशन जोरा कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स आमे टिके चेक करिबा कि एसएससी सीजीएल 2023 रो तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ जाइछि, तो सेति एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहिबो ता पर टिके आमे टिके नजर पकेबा। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपोर्टेंट आ ए वर्ष टिके चेंज अछि, चेंज पैटर्न भी अछि। सो कोन चेंजेस होथि ताको ताको आमे नजर पकेबा। तो टिके पहिले देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिबा आमे जनरली को पार्ट को कंसीडर करिबा ना जहां आमे डेट आमे नॉर्मली जो पोस्ट पे अप्लाई करछु दैट इज अदर देन द एओ एंड एएसओ अदर देन बा बैचलर्स डिग्री ऑल अदर पोस्ट पे आमे देखिबा जोडे आमे नॉर्मल ग्रेजुएट माने अप्लाई करिबे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ता माने आमे एसएससी सीजीएल पे एनी जे कोनसी गोडी डिग्री सर्टिफिकेट रहया दरकार। इवन त माने बीटेक हेले चलिबो, बीएससी हेले चलिबो, बीकॉम हेले चलिबो, हमर बीए हेले मते चलिबो, जे कोनसी गोडे बा डिग्री इक्विवेलेंट रहितबा दरकार। हमर ग्रेजुएशन दरकार, बैचलर्स डिग्री माने ग्रेजुएशन दरकार। आइटी गोडे छोट बहुत बड़ा पॉइंट देछि ना कोन ना द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बा हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। एट बे वर्ष एती जो चेंजेस नै कि आसी पले कि आमर जो माने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर थिबे सेमाने मध्य अप्लाई करि पारिबे, सेमाने मध्य अप्लाई करि पारिबे। इडा हो बहुत बड़ इंपोर्टेंट नोटिस। आउ टच द हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 1/8 देते। बट एठी गोटे छोट पॉइंट कहि छिले 1/8/2023 सुधा निजर कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट सुधा सेमाने तां ग्रेजुएशन पास करि देते दरकार बा फाइनल तांकर रिजल्ट आसी जाइथिबा दरकार। एंड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एही डेट पूर्वरु तुम रिजल्ट आसी जबल तुम शो करियाकु पढो। एटा बहुत इंपोर्टेंट जोडे हम नॉर्मली अप्लाई करूछन्ती। ता सहित जो माने रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एनएचआरसी अप्लाई करेंगे से माने बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सहित डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहा दरकार। मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बा डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स इन ए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एतिक रहा दरकार। ता सहित आम देखा पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफ ग्रेड 2 रे बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बा आउरी कोन कहिता कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन। ता माने ग्रेजुएशन रे स्टैटिस्टिक्स निहाती रहिबा जरूरी, निहाती रहिबा जरूरी जदी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर तमे ग्रेड 2 पे अप्लाई करूचो। एठी जदी हम जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड एट 12th स्टैंडर्ड और बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आम इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पे सब सेमिस्टर स्टैटिस्टिक्स रही दरकार। बट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे जेको गोटे सेमिस्टर एज ए सब्जेक्ट तुम पढ़ले चलो। ता सहित आम एवं देखा आम कौन ना आसीस्टाट ऑडिट ऑफिसर आसीस्टाट अकाउंट्स ऑफिसर एओ आम जो देखा एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री ये तो नॉर्मल। बट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कौन ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कॉस्ट और मैनेजमेंट हो अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी मास्टर्स इन कॉमन देखो मास्टर्स इन कॉमन माने माने कॉमर्स माने एमकॉम जो करमें जो एमकॉम भी कर चार्टर्ड अकाउंटेंट न कर देन भी चलो। और अच्छे मास्टर इन बिजनेस स्टडीज बी आम कौन एमबीएस मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस जो मैंने एमबीए फाइनेंस करेंगे और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जब एमबीए करेंगे देन तुम्हें से ही केस तुम एओ आम कौन आसीस्टाट ऑडिट ऑफिसर आसीस्टाट अकाउंट्स ऑफिसर पर तुम एलिजिबल र। तो ये थिला पिले बट ए सब डेट आम 1/8/2023 सुधा तुम पास कर दरकार पिले। तो ये रहा आम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन एसएससी सीजीएल 2023 रो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पाई आशा कर समस्त ठीक लगी सेशन ठीक लगी ये थिला एक्चुअल आमर क्वालिफिकेशन कौन रोचे आकु देखिए तुम अप्लाई कर पे बहुत सारा पोस्ट बाहरी ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट बाहरी। सो आम अप्लाई कर पाठ पढ़ा आउे आम पाठ स्ट्रंग करने आडा 24/7 ओडिया तरफ गोटे बैच स्टार्ट होती अर्जुन बैच से 300+ लाइव क्लासेस रो 300+ आम मॉक टेस्ट बा प्रैक्टिस सेट्स रहियो आउ 97 पाखापाखि ई बुक्स मध्ये रहिबो। तो आउ डेरी न करी सेथि मते एनरोल करो पाठ पढ़ स्ट्रॉंग करो आउ निजर क्वालिफिकेशन अनुसार पोस्ट को अप्लाई करो सो दैट तुम्हें यही वर्ष चाकरी पाए माइंडसेट करिबो। धन्यवाद पिले पुणे देखा गोटे इंटरेस्टिंग सेशन रे।